हाँ पूरा पैर आ जाओ, ठीक है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे बगल में एक मंदिर है गाइस। तो है गाइस, तो फिर से भाई आपका आ गया नए वीडियो के साथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला, क्योंकि गाइस मतलब बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था कि मैं गाइस वाटरपूल जो होता है गाइस वाटरपूल कहाँ पे, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा एक बोर्ड, जो कि गाइस ये बोर्ड है उसरी पुल जाने का, ठीक है। तो बहुत सारे मेरा कमेंट आते कि भाई वीडियो लाओ। और आज का गाइस मतलब इससे आप सबको पता है कि बरसात भी चल रहा है और बिहाइंड द सीन बरसात में मतलब किस तरह नदी का नज़ारा होता है वो आज किस वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड मैं देख रहा था कि बहुत सारा स्टेटस डाल रहे थे, बहुत सारे मतलब ऐसे कर रहे थे कि मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो मैंने समझा कि ये वीडियो बना के आप लोगों को भी शेयर किया जाए और अद्भुत दृश्य दिखाया जाए कि मतलब नदी का कैसा सीन है अभी। और बिहाइंड द सीन अभी देख सकते कि मैं अभी हाईवे में खड़ा हूँ, ये रहा हाईवे, और जस्ट आपको हाईवे के बगल में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ मेरे घर से गाइस मैं अगर कंपेरिजन करता तो मेरे घर से लगभग यहाँ पे 5 या 6 किलोमीटर पड़े होंगे। और यहाँ से गेट रहा जो कि आप देख सकते हैं, और चलिए अभी हम चलते हैं अंदर। और उधर कुछ मेरे भाई रहे, भाई लोग वही सब हाई करो ना एक बार, तो भाई लोग रहे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, और ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस आप देख सकते हैं, और अभी आप लोगों को बैक में देखने को मिला कितना सुंदर और खूबसूरत नज़ारा आप लोग देखने को मिल रहा होगा। तो मेरे साथ में इधर कुछ जाने वाले रहे, शिवम हाई करो, तो उधर शिवम रहा। तो चलिए आप लोग बने रहिए साथ में हमारे साथ ब्लॉग को, एंजॉय लीजिए ब्लॉग का, और चलिए मजे कीजिए ब्लॉग में। हटाना ठिका रहे, हम ठिका रहे, देखो हम ठिका रहे, हम ठिका रहे, हाँ पूरा पैर आ जाओ, ठीक है। इधर लो, इधर इधर लो, स्टार्ट करें। सो गाइस आप देख सकते हैं फिलहाल गाइस कि मैं काफ़ी मतलब देख सकते हैं, सो गाइस आप देख सकते हैं ये हसीन शानदार नज़ारे गाइस कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि ये भी कैसा बरसात का मौसम में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत गाइस, तो चलिए आप लोग बने रहिए, चलिए अद्भुत नज़ारे आप लोग को दिखाते हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मतलब यहाँ पे कैसा मतलब अभी और भी आगे जाने वाले और ध्यान जैसे आप लोगों को दिखाने वाले। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस हमारे साथ भैया है, तो चलिए कुछ बताएंगे भैया यहाँ की नज़ारे के बारे में कैसा लग रहा है आपको। वाटरफॉल हमारे का जो अभी डिफरेंट टाइप में लग रहा है, पहले कुछ नॉर्मल टाइप में लगता था। यहाँ का सारे पत्थर पानियों से ढका हुआ है, वाटर का ऊपर से जो फ्लो है, फ्लो जो है पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट किया गया। हमने लग ही नहीं रहा है कि ऊपर से गिरा, लग रहा है कि ये बिल्कुल सामने से गिरा। मिले ना मिले, मिल सकता है शायद, लेकिन ऐसा लुक अभी जो दिख रहा है वो दोबारा आपको ना देखने को मिले। सो गाइस देख सकते हैं जैसे कि हमारे साथ में अभी बहुत ही बड़ा वाटर पूल, और कह सकता हूँ कि बहुत ही बड़ा शानदार नज़ारा और सुनहरा नज़ारा के साथ में ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग लास्ट तक देखना वीडियो, यार एंड तक देखना वीडियो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में एक फॉल जैसा कि वाटर पूल देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था ये वाटर पूल दिखाऊंगा बरसात के मौसम में किस तरह ये वाटर पूल दिखता है। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखना, एंड तक देखना, और भाई के चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करवाना। तो चलिए गाइस अभी आप लोग का यहाँ का अद्भुत नज़ारे दिखाने वाले हैं, तो वो लोग वीडियो बने रहिएगा एंड तक देखिएगा वीडियो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और मेरे साथ में है रोहित भाई जो कि कैमरा पकड़ के हमारी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यार रोहित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे ही सपोर्ट करना है मेरा यार, मैं भी आपके ऊपर सपोर्ट करूंगा। तो गाइस इसी कि आप देख सकते हैं कि ये व्यू मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, और यहां का व्यू देखने में भी बरसात के टाइम में बहुत ही शानदार है, बहुत अमेजिंग। अगर आप फैमिली के साथ में आना चाह रहे हो, यहां पे अगर घूमना चाह रहे हो गाइस, तो अभी लिए आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है, और कह सकता हूँ कि बेस्ट के साथ थोड़ा खतरनाक भी हो सकती है। क्योंकि गाइस अगर आप बेस्ट के साथ खतरनाक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप आती हो अगर बच्चे उच्चे के साथ, तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा लो। तो गाइस ये देख पा रहे कि शानदार बगल बगल में बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका है, जिसके वजह से गाइस अगर आप यहाँ पे छेड़खानी करते हो तो डायरेक्ट आप नदी में पार गिर जाओगे, और गिरने के बाद ये बहाव आपको इतना दूर तक ले जाएगी जो कि आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए गाइस बजे रहिए, और चलिए हम आगे आप लोग को और भी आगे जाके आप लोग को वहाँ की ब्लॉगिंग और शानदार नज़ारे आप लोग को दिखाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तो लाइन तक देखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।
ऐसे कि आप देख सकते गाइस कि हमारे साथ में काफी फ्रेंड आए हैं और साथ सभी लोग यहाँ पे घूमने आए हैं, तो सभी बार हाई करो भाई। यहाँ पे हमारे ग्रीड में उसरी फॉल है, बहुत ही मजा आ रहा है घूमने में, बहुत ही खूबसूरत नजारा है अभी बरसात के मौसम में। यहाँ पे हमारा इंस्टा आईडी है राज शर्मा 8005 की, सभी भाई फॉलो कर दे। सारा ग्रुप है तो चलो बस सब बाय कर दे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे बगल में एक मंदिर है गाइस, अगर आप कभी भी वाटर पूल आते हो गाइस तो यहाँ पे आपको भगवान भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। कभी भी अगर आप फैमिली के साथ आते हो गाइस तो यहाँ पे आना, बाबा का मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये उसरी पुल में। और गाइस मैं आप लोगों को नज़दीकी से थोड़ा बाबा मंदिर में दिखाना चाहूँगा कि मतलब कैसा यहाँ पे मतलब नज़ारा है, व्यू कैसा है यहाँ बाबा मंदिर का। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम आगे आगे आप लोग को लेके चलते हैं, फिर आप लोग वहाँ का बाबा का नज़ारा बताते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है गाइस, जो कि मैं आप लोगों को अंदर के नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये भगवान भोलेनाथ रहे गाइस, और देख सकते हैं आप यहाँ पे उसरी पुल के बगल में ये भगवान भोलेनाथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जय भोलेनाथ, कृपा करो बाबा।